Hello children, in this video we will do CSS outline. So what is CSS outline? CSS outline kya hota hai? An outline is a line drawn outside the element's border. तो ये कौन सी लाइन है जो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर ड्रॉ की जाती है. फाइन, इसको कहाँ ड्रॉ किया जाता है? एलिमेंट, कोई भी जो HTML एलिमेंट है उसके बॉर्डर के बाहर. फाइन, नाउ वी विल क्रिएट इट प्रैक्टिकली. अब हम आउटलाइन को क्या प्रैक्टिकली बनाएंगे. फाइन, और आउटलाइन की क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑल द स्टाइल्स ऑफ आउटलाइन हियर. डॉक टाइप, HTML. ओके, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, राइट? HTML, देन हेड. इन हेड वी विल गिव स्टाइल टैग. ओके, तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग, इंटरनल सीएसएस. फाइन, अब हमने पैराग्राफ लिया. ओके, एंड पैराग्राफ में आपने डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या किया, आउटलाइन दिया कि आउटलाइन आप का कलर, आउटलाइन का कलर आप क्या देना चाहते हो. हमने ले लिया लेट अस सपोज रेड. फाइन, ओके, अब क्या देंगे, डिफरेंट स्टाइल्स देंगे. पी डॉट डॉटेड, ठीक है. तो डॉटेड यहाँ पे क्या है, क्लास बनाई है हमने, डॉटेड नेम की क्लास बनाई है, और उस क्लास के अंदर हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं आउटलाइन स्टाइल कि जो आउटलाइन हो उसका क्या स्टाइल हो, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड. ओके, ओके, और ये जो हमने डॉटेड जो क्लास बनाई है वो क्या है, पैराग्राफ स्पेसिफिक है, जो पैराग्राफ पे ही अप्लाई होगी ओनली. ओके, तो यहाँ पे हमने डॉटेड क्लास बनाई. डॉटेड क्लास में हमने डिक्लेरेशन किया, क्या किया है, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड, जो आउटलाइन का स्टाइल हो क्या हो, डॉटेड. ओके, नाउ हम करेंगे पी डैश्ड, आउटलाइन का स्टाइल क्या हो, डैश्ड, राइट? ओके, आउटलाइन स्टाइल टेस्ट. फाइन, देन पी डॉट, सॉरी, जैसे हमने बॉर्डर में दिए थे ना डिफरेंट स्टाइल्स, वैसे ही हम यहाँ पे आउटलाइन के लिए दे रहे हैं. ठीक है, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल सॉलिड. फाइन, क्लास क्रिएट करके पी डॉट डबल, तो सेम ही है सारे स्टाइल्स जो हमने बॉर्डर्स में दिए थे वो ही सेम सारे यहाँ पर है, राइट? पी डॉट डबल, देन आउटलाइन स्टाइल डबल, पी डॉट ग्रूव, आउटलाइन स्टाइल ग्रूव. ओके, देन पी डॉट रिच, स्टाइल रिच, RIDGE रिच. ओके, देन हमारा है पी डॉट इंसर्ट, आउटलाइन स्टाइल इंसर्ट, देन वी हैव पी डॉट आउटसेट. ओके, आउटलाइन स्टाइल आउटसेट. फाइन, अब हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे. हमने सारे आउटलाइन स्टाइल्स ले लिए हैं, एंड हेड क्लोज, राइट? एंड हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बॉडी. अब हम बॉडी टैग को स्टार्ट करेंगे. फाइन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम
जितनी भी क्लासेस क्रिएट किए अभी तक उन सबको यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं पहले, बी आउटलाइन स्टाइल प्रॉपर्टी, फाइन, ये हमारा H1 हेडिंग. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस जितनी भी है उन सब क्लासेस को यूज करेंगे. पी क्लास, सबसे पहले मैंने लिया डॉटेड डॉटेड क्लास. ओके, यहाँ पे आप लिख दो डॉटेड आउटलाइन. ये पैराग्राफ क्रिएट करें जिसके बॉर्डर के बाहर जो आउटलाइन बनेगी वो कैसी आउटलाइन बनेगी, डॉटेड आउटलाइन बनेगी. ओके, पी फाइन. देन नेक्स्ट क्लास है हमारी पी क्लास डेस्ट. ओके, इसमें हमने दिया डेस्ट आउटलाइन. ओके, ऊपर हमने क्लोज नहीं किया है पी, इसको क्लोज कर देते हैं पी, फाइन. नाउ पी क्लास सॉलिड, अ सॉलिड आउटलाइन पी क्लोज. ओके, देन पी क्लास, अब हम क्या लेंगे, डबल डबल. ओके, आ डबल आउटलाइन. ओके, सो जितनी भी क्लासेस हमने यूज ऊपर क्रिएट किए हम सबको यूज करें यहाँ पर, फाइन, जिससे उसकी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकें. पी क्लास ग्रुप. ओके, नाउ अ ग्रुप आउटलाइन, फाइन. तो इसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइन कलर वैल्यू, कि हम उसकी कलर की कितनी वैल्यू ले रहे हैं, फाइन. ओके, देन वी हैव पी क्लास रिच. ओके, अब यहाँ पे अ रिच आउटलाइन, फाइन. ओके, और यहाँ पे भी इसका इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द आउटलाइन कलर वैल्यू, रिज एंड ग्रुप का कलर की वैल्यू पे इफेक्ट डिपेंड करेगा, फाइन. अब हम लेंगे इनसेट पी क्लास इनसेट एंड इनसेट आउटलाइन, फाइन. देन वी हैव पी क्लास आउटसेट. ओके, एन आउटसेट आउटलाइन, फाइन. ओके, नाउ बॉडी क्लोज एंड वी हैव HTML क्लोज. ओके, ये हमने क्रिएट कर लिया डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आउटलाइन के. अब यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, इसको नेम देते हैं, कुछ भी देते हैं, इसका A1 दे देते, चलो A1.html, फाइन, हमने इसको सेव कर लिया है. ओके ओके, दिस इज आर A1 फाइल, ओपन विद गूगल क्रोम, इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं, फाइन. देखो, तो फर्स्ट हमारा क्या है, डॉटेड आउटलाइन आई है. ओके,
देन आपका डैश्ड आउटलाइन आया है, आउटलाइन आई है, देन सॉलिड, देन आपकी डबल आउटलाइन, देन ग्रूव आउटलाइन, ब्रिज, इनसेट एंड आउटसेट, राइट। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्टाइल से आउटलाइन की, फाइन, ओके। सो हियर वी हैव डन ऑल द स्टाइल्स ऑफ आउटलाइन, नाउ वी हैव सीएसएस आउटलाइन विथ, ठीक है। तो आउटलाइन की विथ हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, फाइन। विथ क्या होती है कि कितनी उसकी चौड़ाई है, फाइन। तो यहाँ पे हम इसको जो सबसे पतली होता है, जो सबसे थिन होती है, वो 1 पिक्सल की आउटलाइन होती है। मीडियम आउटलाइन होती है 3 पिक्सल की, ओके। और जो एंड थिक होती है 5 पिक्सल की, फाइन। और इसका साइज हम पिक्सल्स में भी ले सकते हैं, पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्रिएट करेंगे विथ, जिससे आपको विथ पता चले कि आप कैसे स्पेसिफाई करोगे। डॉक टाइप HTML दे दिया हमने, फाइन। देन वी हैव HTML टैग, हेड, इन हेड वी विल गिव द स्टाइल, फाइन। अब एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं पी डॉट X1, example 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो class 1 है, मतलब example 1 class है, वो क्या है, paragraph specific है। और इसके अंदर हम क्या apply करेंगे, इसके अंदर हम अपने properties and values को declare करेंगे। तो हमने border दे दिया इसके अंदर, जो ये paragraph का border हो वो 1 pixel का हो, solid हो and black, ठीक है। ये हमने पैराग्राफ के बॉर्डर को दे दिया, अब बॉर्डर दे दिया, अब आउटलाइन देंगे, ठीक है। आउटलाइन, इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने सिर्फ आउटलाइन के स्टाइल्स देखे थे, ओके। हमने ये नहीं देखा था कि बॉर्डर एंड आउटलाइन दोनों को एक साथ कैसे अप्लाई करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर एंड आउटलाइन दोनों को अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। सॉलिड, हमने सॉलिड ले लिया, आउटलाइन कलर, रेड, आउटलाइन विथ, और आउटलाइन की हम यहाँ पे विथ दे देंगे थिन। थिन हमारा क्या होगा, 1 पिक्सल, फाइन। मीडियम हमारा 3 पिक्सल और थिक हमारा ऑलमोस्ट 5 पिक्सल, जो हमने अभी देखा था, ठीक है। थिक हमारा हो जाएगा 5 पिक्सल, फाइन। तो ये हमारा थिन लिया है, तो ये हो जाएगा 1 पिक्सल, ओके। देन नेक्स्ट क्लास EX2, फाइन। इसमें हम क्या करते हैं, यहां से पूरा लिखने की बजाय इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कंट्रोल भी चेंज कर लेते हैं। आउटलाइन सॉलिड, कलर रेड और विथ इसकी ले लेते हैं मीडियम, मीडियम, ओके। विथ हमने ले ली इसकी मीडियम, फाइन। क्योंकि यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो किसको स्पेसिफाई करने के लिए करें कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट विथ आप कैसी ले सकते हो, आउटलाइन की डिफरेंट डिफरेंट विथ आप कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो, फाइन। अगेन कंट्रोल वी, ओके। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको हम ले लेते हैं थिक, ओके। तो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले लिए, अब हम लेंगे एक वन मोर एग्जाम्पल, हेयर 4, फाइन। यहीं पे इसको ले, कंट्रोल वी, ओके। नाउ यहाँ पे हम पिक्सल्स में ले लेते हैं इसको, ये ले लिया हमने 5 पिक्सल, राइट। देन स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्टेड, बॉडी लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर हम हेडिंग ले लेते हैं, H1 हेडिंग, बी आउटलाइन विथ, विथ प्रॉपर्टी,
प्रॉपर्टी, ओके, आउटलाइन की हमने विड्थ प्रॉपर्टी ले ली यहाँ पे, फाइन। अब हमने जो क्लासेस क्रिएट किए हैं उनको हम क्या करेंगे अपने पैराग्राफ में यूज करेंगे, पी क्लास एक्स वन, ओके, थिन, क्योंकि इसमें हमने विड्थ क्या लिए, थिन, सॉरी आउटलाइन, देन पी क्लास एक्स टू आ मीडियम, मीडियम आउटलाइन, ओके, देन पी क्लास एक्स थ्री आ थिक, सॉरी आउट लाइन, राइट, देन वी हैव पी क्लास एक्स फोर एग्जाम जो हमने क्रिएट किए क्लास, ओके, आ फोर पिक्सल थिक आउटलाइन एंड पी क्लोज, फाइन। यहाँ पे हमने बॉडी को क्लोज कर दिया एंड देन वी हैव क्लोज्ड एचटीएमएल, ओके। इसको हम सेव कर लेते हैं, इसका नेम हम लोग देते हैं a2.html, फाइन। तो इसको आप सेव कर लिए, ओके, हियर वी हैव आवर फाइल, ओपन विद गूगल क्रोम, गूगल क्रोम में इसको ओपन कर लेते हैं, फाइन, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या है, आपका बॉर्डर आया है ब्लैक सॉलिड बॉर्डर, और उसके उसके बाद आपकी आउटलाइन आई है रेड कलर की, थिन आउटलाइन जो हमने फर्स्ट दिया था, थिन आउटलाइन। देन आपका सेकंड में क्या है, बॉर्डर एंड बॉर्डर के ऊपर आई है मीडियम आउटलाइन, फाइन। देन आपका बॉर्डर आया है बॉर्डर के ऊपर क्या आया है, थिक आउटलाइन जो हमने थिक आउटलाइन दिया था। देन हेयर वी हैव फोर पिक्सल आउटलाइन जो आपने क्या किया था, स्पेसिफाई किया था पिक्सल्स में, बॉर्डर एंड देन यहाँ पे बॉर्डर क्या है, ब्लैक कलर का बॉर्डर है, और आउटलाइन क्या है, रेड कलर की आउटलाइन है, फाइन। तो जो आउटलाइन होती है वो बॉर्डर के बाहर होती है, ओके, जो आउटलाइन है वो कहाँ पर है, बॉर्डर के बाहर है, ओके, इट इज आउटसाइड द बॉर्डर, फाइन। नाउ वी हैव सी एस एस आउटलाइन कलर, ठीक है। तो जो आउटलाइन का कलर है वो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हैं आउटलाइन को, ओके, वी कैन गिव कलर बाय नेम, नेम से दे सकते हैं आप, ओके, आप आरजीबी वैल्यू दे सकते हो, फाइन, आप हेक्स वैल्यू दे सकते हो, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या कर सकते हो, अपने आउटलाइन को कलर दे सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, हमने यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया है टू पिक्सल, टू पिक्सल का ले लेते हैं, वन की जगह टू पिक्सल बॉर्डर, सॉलिड ब्लैक आउटलाइन स्टाइल सॉलिड, ओके, एंड आउटलाइन कलर। अब यहाँ पे हम ये विड्थ को हटा देते हैं, हम सेम ले रहे थे, अब हम सिंपल लेते हैं रेड, हमने पहले ले लिया रेड कलर, फाइन। देन सेकेंड अगेन बॉर्डर इज आर टू पिक्सल, देन आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन का स्टाइल डिफरेंट ले लेते हैं, सॉलिड की जगह हमने ले लिया डॉटेड, एंड कलर आप ले लो ब्लू। तो इस एग्जाम्पल सिंपली हम क्या दिखा रहे हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑन आउटलाइन, फाइन। तो यहाँ पे देखो आउटलाइन कलर मैंने ब्लू दे दिया, फर्स्ट में रेड दिया था, अभी इसमें सेकंड में ब्लू दे दिया, फाइन। देन यू हैव बॉर्डर कलर, बॉर्डर टू पिक्सल, ओके, देन आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन स्टाइल आउटसाइड दे देते हैं, आउटसाइड में क्या होता है, जो उसका बॉटम जो पार्ट होता है, ठीक है, वो थोड़ा डार्कर होता है, ठीक है। यहाँ पे विड्थ को हम हटा देते हैं क्योंकि हम विड्थ अभी हमने कर लिया है, अभी इस एग्जाम्पल में सिर्फ हम कलर्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको पिंक दे देते हैं, पिंक, फाइन, ओके, पिंक दे दिया। नाउ
H1 outline color property कर देते हैं, which we have done already. color property outline color property p class ex1 p class ex1 हम यूज करेंगे, ठीक है. यहाँ पे लिख दो अ सॉलिड रेड आउटलाइन, फाइन. देन क्लास ex2 हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अ, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी. डॉटेड ब्लू आउटलाइन, फाइन. देन एन आउटसेट, आउटसेट में हमने क्या दिया, पिंक पिंक आउटलाइन, OUT आउटलाइन, फाइन. ओके, सिंपली जो हमारा जो एग्जाम्पल था विक वाला, हमने उसमें अमेंडमेंट करके क्या किया, उसको हमने कलर का एग्जाम्पल बना दिया. तो यहाँ पे देखो, हमने PEX1 क्लास क्रिएट की, फाइन, जिसमें बॉर्डर दिया 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, आउटलाइन स्टाइल दिया सॉलिड, एंड आउटलाइन कलर दिया है रेड, फाइन. ओके, अब हमने सेकंड क्या लिया है, बॉर्डर, सॉरी, सेकंड में आपने क्लास लिया ex2, उसमें बॉर्डर अगेन 2 पिक्सल, आउटलाइन स्टाइल डॉटेड है, कलर आपका ब्लू है. एंड देन यू हैव टेकन, यू हैव क्रिएटेड क्लास ex3. हमने ex3 क्लास को क्रिएट किया, जिसमें बॉर्डर क्या है, 2 पिक्सल का है, सॉलिड ब्लैक है, आउटलाइन का स्टाइल आउटसेट है, और आउटलाइन कलर पिंक है, फाइन. हमने ये कर लिया, इसको हम सेव कर लेते हैं, जो भी हमने चेंजेस किए हैं, Ctrl+S. ओके, अब इस सेम फाइल हम A2 को यूज करें तो क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे. ये ऑलरेडी ओपन है, इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश, फाइन. अब देखो रिफ्रेश होके आ गई है, सबसे पहले आपका आ गया अ सॉलिड रेड आउटलाइन. तो जो मार्जिन था 2 पिक्सल का, उसके बाहर हमारे पास क्या आ गई है, सॉलिड रेड आउटलाइन. फिर मार्जिन आपका ब्लैक था, उसके बाहर हमारे क्या आ गए, डॉटेड ब्लू आउटलाइन. डॉटेड ब्लू आउटलाइन आ गई आपके सॉलिड ब्लैक बॉर्डर के बाहर, फाइन. ओके, फर्स्ट में क्या था, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर के बाहर आपका रेड आउटलाइन आई है. सेकंड में आपका ब्लैक बॉर्डर के बाहर आपकी डॉटेड ब्लू लाइन आई है. एंड थर्ड में आपका बॉर्डर के बाहर क्या आया है, आपकी आई है पिंक आउटलाइन. ओके, यू कैन सी दिस इज योर पिंक आउटलाइन, फाइन. तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या क्या देखा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट आउटलाइन को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो. डिफरेंट आउटलाइन पे आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई कर सकते हो, फाइन. ओके, नाउ वी हैव CSS आउटलाइन शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी. शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम आउटलाइन जो भी हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसको शॉर्ट करके लिखते हैं, फाइन. तो अभी हम क्या करते हैं, बहुत उसकी अलग अलग जो आउटलाइन की प्रॉपर्टीज थी वो अलग अलग दे देते हैं, फाइन. अब हम क्या करेंगे, आउटलाइन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको एक साथ स्पेसिफाई करेंगे, फाइन. इसको अब देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. डॉक टाइप HTML, फाइन. देन वी हैव HTML हेड स्टाइल. इन स्टाइल हमने एक क्लास को क्रिएट किया EX1 जो अभी क्रिएट, ओके. और इसमें आपने आउटलाइन दे दिया, आउटलाइन की एक प्रॉपर्टी हमने स्पेसिफाई कर दी डेस्ट, फाइन. ओके, अब हमने क्लास दी P.EX2 आउटलाइन. तो यहाँ पे शॉर्ट आउटलाइन की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या है, आउटलाइन. अब आउटलाइन में हमने उसका स्टाइल दे दिया डॉटेड और कलर दे दिया, ठीक है, एक साथ दे दिया डॉटेड एंड डॉटेड, उसका स्टाइल हो गया, और एंड आउट रेड उसका क्या हो गया, कलर हो गया. तो एक साथ देखो दो प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. ओके, देन P.EX3 आउटलाइन. तो यहाँ पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें, आउटलाइन का. अब यहाँ पे हमने आउटलाइन को विड्थ दे दी 5 पिक्सल की, सॉलिड उसका स्टाइल एंड येलो कलर, फाइन. P.EX4 ओके आउटलाइन
ठीक किया है उसकी विथ एंड रिज स्टाइल एंड पिंक कलर, पिंक कलर फाइन। देन स्टाइल क्लोज एंड हेड क्लोज एंड हियर वी आर स्टार्टिंग आर बॉडी, बॉडी ओके। इसके अंदर हम कमेंट ले लेते हैं, सॉरी हेडिंग ले लेते हैं, द आउटलाइन प्रॉपर्टी। ओके नाउ वी विल यूज ऑल द क्लासेस हियर। यहाँ पे हम क्लास को यूज करेंगे, EX1 को हमने यूज किया फाइन। तो ये किस पे अप्लाई होगी, जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं पैराग्राफ के अंदर उस पे अप्लाई होगी, अडेस्ट आउटलाइन सॉरी हियर पैराग्राफ क्लोज देन पी क्लास EX2 हाँ डॉटेड, डॉटेड है और हमने क्या दिया रेड, दो प्रॉपर्टीज एक साथ दिए आउटलाइन ओके देन पी क्लास EX3 ओके अ 5 पिक्सल लिए हमने 5 पिक्सल सॉलिड येलो। तो देखो आउटलाइन प्रॉपर्टी क्या है, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। आउटलाइन प्रॉपर्टी से आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। लाइन आउटलाइन स्टाइल आउटलाइन कलर आउटलाइन विथ ओके, तो ये आप सारे एक साथ अप्लाई कर सकते हैं फाइन। देन पी क्लास EX4 थिक एंड ब्रिज पिंक आउटलाइन फाइन। देन बॉडी क्लोज एंड देन HTML ओके। इसको अब हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, इसको हम A3 दे देते हैं नेम A3.html फाइन। नाउ वी विल सी द ओके, नाउ दिस इज आवर A3 फाइल ओपन विद गूगल क्रोम, इट इज लोडिंग। देखो अब देखो फर्स्ट हमने क्या दिया था आउटलाइन क्या दी थी डैश ओनली ठीक है, तो यहाँ पे डैश आउटलाइन आ गई है फाइन। देन सेकंड हमने क्या दिया था आउटलाइन क्या दी थी, सेकेंड जो क्लास यूज की थी हमने ओके वो डॉटेड थी एंड रेड थी फाइन, तो यहाँ पे डॉटेड आ गई एंड रेड कलर। थर्ड क्या थी हमारी 5 पिक्सल उसकी विड्थ थी, सॉलिड थी एंड येलो थी, तो ये आपकी सॉलिड एंड येलो 5 पिक्सल की आउटलाइन आ गई। देन आपकी लास्ट जो थी वो थिक थी रिज थी ओके एंड उसका कलर क्या था पिंक था फाइन। तो यहाँ पे हमने क्या किया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की हेल्प से एक साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई की है फाइन। नाउ वी हैव सी एस एस आउटलाइन ऑफसेट। तो ऑफसेट प्रॉपर्टी किस लिए यूज होती है, ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज होती है एलिमेंट के बॉर्डर और आउटलाइन के बीच स्पेस देने के लिए। अभी तक हमने क्या दिया, अभी तक हमने देखा था बॉर्डर के ऊपर ही आउटलाइन आ रही थी फाइन। अगर आप चाहते हो आउटलाइन अलग आए और बॉर्डर और आउटलाइन के बीच में कुछ स्पेस हो तो आप क्या करोगे ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज करोगे फाइन। तो अब हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। डॉक टाइप HTML, then we have our HTML tag, okay, head, in head we have style, fine, okay, अब यहाँ पे हमने paragraph tag लिया है, paragraph element लिया है, इसमें margin ले ली आपने 30 pixel, ओके okay.
अब 30 पिक्सल मार्जिन लिया है तो मार्जिन क्या, ये आप जो 30 पिक्सल लिया है तो मार्जिन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा? टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, 30 30 पिक्सल का मार्जिन. ओके ओके, नाउ वी हैव बॉर्डर. पैराग्राफ का बॉर्डर लिया हमने 1 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक. ओके, देन आउटलाइन. आउटलाइन हमने ली 1 पिक्सल, सॉलिड रेड. ओके, अब हम लेंगे आउटलाइन ऑफसेट. आउटलाइन ऑफसेट किस लिए है? पैराग्राफ और सॉरी पैराग्राफ के बॉर्डर और आउटलाइन के बीच का जो स्पेस हो उसके लिए, एक स्पेस क्रिएट करने के लिए. तो हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया है 15 पिक्सल. ओके, नाउ योर स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्ट. बॉडी स्टार्ट हो गई है. इसके अंदर हम हेडिंग ले लेते हैं H1, B, आउटलाइन, ऑफसेट, प्रॉपर्टी. फाइन, हमने ले ली. ओके, अब हम पैराग्राफ टैग लेंगे. दिस पैराग्राफ हैज एन आउटलाइन. आउटलाइन कितनी है? एज एन आउटलाइन 15 पिक्सल आउटसाइड डी बॉर्डर एच. फाइन, तो अभी तक हम देख रहे थे क्या था, आउटलाइन बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आ रही थी. अब यहाँ पे हमने स्पेस क्रिएट कर दिया है आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में. किसकी हेल्प से? आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी की हेल्प से. फाइन, बॉडी एंड HTML. फाइन, इसको सेव कर लेते हैं. हमने इसको सेव कर लिया A4.html. ओके, नाउ वी विल सी द रिजल्ट. दिस इज आर A4 फाइल, ओपन विद गूगल क्रोम. गूगल क्रोम से आपने ओपन की कर ली अपनी फाइल को. ओके, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे पहले आया था कि जो बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर आ रहा था, आ रही थी आपकी आउटलाइन, वो क्या हो गया, अब उन दोनों के बीच में स्पेस आ गया है आपका. पहले हमने मार्जिन लिया, ये जो था, ये जो हमारा पर्टिकुलर पैराग्राफ था उसका अपर मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन लिया था हमने 30 पिक्सल. फिर बॉर्डर आपका आपका किस 1 पिक्सल का था, सॉलिड एंड ब्लैक था. ओके, आउटलाइन भी आपकी 1 पिक्सल थी, सॉलिड एंड रेड थी. और आउटलाइन और बॉर्डर के जो बीच का स्पेस लिया है हमने आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी की हेल्प से, वो 15 पिक्सल लिया. ओके, सो हियर वी हैव डन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ CSS आउटलाइन. आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन कलर. ओके, शॉर्ट एंड आउटलाइन प्रॉपर्टी एंड आउटलाइन ऑफसेट. ओके,